आपको क्या लगता है कि क्यों हेमा मालिनी और ईशा देओल एक जैसी दिखती हैं, या क्यों शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान की शक्लों में एक जैसी झलक है? आप सोच रहे होंगे कि क्या बेतुका सवाल है ये। इसका जवाब तो हर कोई जानता है कि इन सभी का आपस में एक रिश्ता है, चाहे वो माँ बेटी का हो, माँ बेटे का, या फिर बाप बेटे का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों में हमेशा अपनी माँ या अपने पिता जैसी शारीरिक विशेषताएं या लक्षण होते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, नाक की बनावट, या फिर शरीर की बनावट और रंग वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, कभी कभी तो बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी जैसे भी दिखते हैं। प्रयोग शुरू किया। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स यानी जीवाणुओं की दो किस्मों का प्रयोग किया। पहला स्मूथ यानी एस स्ट्रेन, जिसके चारों ओर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है, और दूसरा रफ यानी आर स्ट्रेन, जिस पर कोई कोटिंग नहीं होती। अगर इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो स्मूथ स्ट्रेन चिकना दिखता है और रफ स्ट्रेन खुरदरा। एस स्ट्रेन विरुलेंट यानी रोग फैलाने वाले होते हैं, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट यानी ये रोग नहीं फैलाते। ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन एक चूहे को लगाया तो चूहा मर गया। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन दूसरे चूहे को लगाया तो चूहा बीमार तो हुआ मगर जिंदा रहा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन यानी चिकनी किस्म के जीवाणुओं के चारों ओर पॉलीसेक्राइड की परत थी, इसलिए ग्रिफिथ को लगा कि शायद पॉलीसेक्राइड कोट के कारण ही एस स्ट्रेन विरुलेंट है, लेकिन उन्हें इस पर पूरा यकीन नहीं था। अगर ग्रिफिथ यहीं पर अपना प्रयोग रोक देते तो वो ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि पॉलीसेक्राइड कोट ही ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण का कारण है, मगर उन्होंने अपने प्रयोग को जारी रखा। जैसा कि ग्रिफिथ जानते थे कि पॉलीसेक्राइड्स पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर बैक्टीरिया गर्मी से मर जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्हें गर्म किया और फिर चूहे को उसका इंजेक्शन लगाया। पता है क्या हुआ? जी हां, चूहा बीमार तो हुआ मगर जिंदा रहा, क्योंकि मरे हुए एस स्ट्रेन पर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग वैसी की वैसी थी, मगर गर्मी के कारण रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया मर चुके थे। इसलिए ग्रिफिथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पॉलीसेक्राइड कोट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण नहीं है। तो आपने देखा कि ना तो चूहा मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन से मरा और ना ही जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रिफिथ ने गर्म करके मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिलाकर चूहे को इंजेक्शन लगाया। आपको क्या लगता है क्या हुआ? चूहा जिंदा रहा या मर गया? आपको लग रहा होगा कि चूहा जिंदा रहा, मगर नहीं, चूहा मर गया। है ना चौंका देने वाली बात? इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ग्रिफिथ ने मरे हुए चूहे के खून के नमूने में जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को पाया। इसका मतलब यह हुआ कि मरे हुए एस स्ट्रेन की संक्रमण की क्षमता जरूर किसी तरह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिली होगी, क्योंकि गर्मी से प्रोटीन खत्म हो जाता है, इसलिए क्रोमोसोम्स में स्थित प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का कारण नहीं हो सकता, यानी प्रोटीन भी आनुवांशिक लक्षणों को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हो सकता है कि डीएनए ही वो तत्व है जो आनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाता है। ग्रिफिथ ने सोचा कि मरे हुए विरुलेंट बैक्टीरिया के किसी तत्व ने ही नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को विरुलेंट बना दिया। ये उसे विरासत में मिली थी। इस आनुवांशिक लक्षण को आगे बढ़ाने को ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण का नाम दिया और उस अनजान तत्व को
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया गया। ग्रिफिथ द्वारा किए गए इस प्रयोग के आधार पर कई नई खोजें सामने आ पाईं।